दोस्तों, मेरा नाम है धुरिंद्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यंत्र कारागिर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जो क्लैंप मीटर है, इस क्लैंप मीटर से जो हमारे घर का बोर्ड होता है दोस्तों, जो पोल से हमारे घर में लाइन आती है, वहाँ से जो हमारे बोर्ड में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो आती है दोस्तों हमारे घर में 220 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट तक के दोस्तों। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घर में बराबर प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, हम कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो आज हम इस क्लैंप मीटर से पता करेंगे दोस्तों कि हमारे घर में 220 से 230 जो वोल्टेज है वो बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में 220 से 230 वोल्टेज नहीं आएंगे तो आपके घर में जो अप्लायंस होते हैं उनके ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और पावर कंजम्पशन की वजह से कभी भी हमारे अप्लायंस ख़राब हो सकते हैं दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए हमारा जो ये वोल्टेज होता है ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो अगर अपने हमारे पास एक क्लैंप मीटर है तो हम इस क्लैंप मीटर से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक आ रही है 220 से 230 वोल्टेज, वो हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों। तो वही दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा चैनल यंत्र कारागिर, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन के बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और ये जो हमारे यहाँ पे लगा है दोस्तों, 5 पिन सॉकेट है दोस्तों, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 उसमें पिन दिए गए हैं दोस्तों। ये हमारा 5 पिन सॉकेट है और 2 स्विच लगी हुई है दोस्तों। तो ये सबसे ऊपर का जो होता है दोस्तों, बड़ा वाला, ये अर्थिंग होता है। ये जो इधर का होता है दोस्तों, ये न्यूट्रल होता है। और इधर का जो होता है फेस होता है, ये भी इधर का न्यूट्रल होता है और इधर का भी फेस होता है दोस्तों। तो कैसे पता करें दोस्तों ये न्यूट्रल है और ये फेस है? तो हमारे पास ये टेस्टर है, इसको क्या करना है दोस्तों, बटन को ऑन कर देना है और उसके बाद में इसमें जो ये जैक है इसमें हमें ऐसे डाल के देखना है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, हमने बटन ऑन कर दिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइट ग्लो हो रहा है दोस्तों, टेस्टर में देखिए लाइट ग्लो हो रहा है, मतलब ये फेस यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, करंट यहाँ पे आ रहा है, तो समझ लीजिए ये फेस का है दोस्तों। अब इस साइड में डाल के देखते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कोई करंट नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल का है दोस्तों। उसी तरह से ऊपर में डालेंगे तो देखिए यहाँ पे भी फेस आ रहा है, तो ये फेस है। और इधर में डालेंगे तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखिए, इस तरह के काम करते समय कभी भी आप अपने पैर में चप्पल रखिए। अगर आप इस तरह से चेक कर रहे हैं, अगर आपके पास क्लैंप मीटर है और आप इस तरह से चेक कर रहे हैं, तो कभी भी पैर में चप्पल पहन के रखिए, सेफ्टी हो जाती है दोस्तों। क्योंकि इसमें एक करंट आ रहा है, 220 से 230 वोल्टेज हमारे इसमें आ रहे होते हैं दोस्तों, तो हमें करंट लगने का चांसेस होता है दोस्तों। इसलिए इसे कभी भी हमें चेक करना है तो उसे चेक करते समय बहुत ही सावधानी के साथ चेक करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्लैंप मीटर से यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 220 से 230 वोल्टेज हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमारे बोर्ड में 220 से 230 वोल्टेज नहीं आ रहे तो हमारे जो घर के अप्लायंस होते हैं, जो टीवी होती है, फैन होता है, कूलर होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। उसकी जो मोटर होती है वो ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों। अगर कम भी आ रहा होगा हमारा वोल्टेज इसमें, 220 से 230 से कम भी आ रहा होगा तो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और 220 से 230 से ज़्यादा भी वोल्टेज आ रहा होगा तो भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें वोल्टेज चेक करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, और उसमें वोल्टेज चेक करने के लिए क्लैंप मीटर दोस्तों बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लैंप मीटर से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्लैंप मीटर है, ये हमारा क्लैंप मीटर है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए वैल्यूज, ये हमारा क्लैंप मीटर में, ये हमने नोब अभी ऑफ में है, तो हम क्या करते हैं इसको एसी वोल्टेज 750 पे कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 750 एसी वोल्टेज है दोस्तों, दिख रहा है, वी लिखा हुआ है, वी यानी वोल्टेज, और उसके आगे एक सिम्बॉल दिया है, ठीक है दोस्तों, वो एसी का सिम्बॉल है और 750 लिखा हुआ है दोस्तों। तो इस पे हमें सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में हमें इस बोर्ड के जो ये 2 पॉइंट है, इसमें हमारी ये जो रेड प्रोब है और ब्लैक प्रोब है दोस्तों, ये देख लीजिए, एक ब्लैक प्रोब, ये जो ब्लैक प्रोब है दोस्तों, इसको हमें न्यूट्रल में डालना है दोस्तों। ये दोस्तों, हमने ब्लैक वाला जो है न्यूट्रल के इसमें डाल दिया, इधर वाले में लेफ्ट हैंड में, और जो हमारा ये रेड वाला प्रोब है इसको हम डाल देते हैं दोस्तों राइट हैंड के इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमने राइट वाले इसमें डाल दिया, और स्विच जो है दोस्तों हमने ऑन कर चुके हैं, पहले ही स्विच जो होती है वो हम ऑन कर चुके हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों, आप देख सकते हैं, राइट हैंड में रेड वाला और लेफ्ट हैंड में ब्लैक वाला। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा क्लैंप मीटर है उसके जो डिस्प्ले पे है दोस्तों, देख सकते हैं 190 दिखा रहा है, 200, तो दोस्तों हमारा 200 तक के आ रहा है दोस्तों।
यानी कि 220 से कम है दोस्तों हमारा, तो देख सकते हैं दोस्तों। इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारे घर में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा कम से कम 20 मतलब 220 वोल्टेज होना चाहिए, तो कम से कम 20 वोल्टेज कम आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम आपको बता सकते हैं दोस्तों इस क्लैंप मीटर के ज़रिए कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए दोस्तों, तो ये क्लैंप मीटर इतना यूज़फुल होता है हमें वोल्टेज, हमारे घर का वोल्टेज चेक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो हमने इसको ऑफ कर दिया, दोनों प्रोब निकाल दिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है क्लैंप मीटर के ऊपर मैंने बनाई, इसके ऊपर वोल्टेज चेक करके दिया, दिखाया मैंने घर का, तो आपको अच्छे तरह से पता चल गया होगा दोस्तों कि आप अपने घर का वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं इस क्लैंप मीटर से दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हमारी नॉलेजेबल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को जो है दोस्तों हमारा जो चैनल है यंत्र कारागिर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन के बटन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके दोस्तों। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।